गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित कविता हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। गोपाल दास नीरज एक बहुत अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में हमें वो हर भावना, वो हर सीख मिलती है जो सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे देशवासी के मन में, देशभक्त के मन में होनी चाहिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गोपाल दास नीरज जी के द्वारा रचित कविता हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे कविता गोपाल दास नीरज जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित की है। इस कविता के माध्यम से गोपाल दास नीरज जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अमिट छवि हर भारतवासी के मन में पैदा करी है जो कभी भी नहीं मिट सकती। तो आइए पढ़ते हैं गोपाल दास नीरज जी द्वारा रचित कविता हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इस कविता का पाठ प्रवेश है। प्रस्तुत कविता हिंदी के लोकप्रिय कवि गोपाल दास नीरज, गोपाल दास नीरज जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित की है। इसमें नेहरू जी को आजादियों का कारवा, प्यार का पासवा और अमन का रहनुमा बताया गया है। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए दिल्ली ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतवासी के दिल को अपनी राजधानी बताया है। कवि के अनुसार मौत किसी भी रूप में है, लेकिन जब तक लेखनी जिंदा है पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहेंगे। कहने का मतलब ये कि जब तक लेखक की कवि, लेखक का कलम है, तब तक हम जो नीरज गोपाल दास जी हैं, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में कलम है मैं तब तक जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में लिखता रहूंगा, और जब तक मेरी कलम है तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा हमारी श्रद्धा में, हमारी इच्छाओं में, हमारी भावनाओं में जीवित रहेंगे। अब आगे देखते हैं। मौत कितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, जब तक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। नीरज जी ने कहा है कि जब तक मौत कितने रंग बदले, यानी कि मौत, मृत्यु जो एक दिन हर इंसान को अवश्य हानि है, मौत चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, कोई भी तरीका अपना ले हम तक पहुंचने का, लेकिन फिर भी जब तलक, तलक मतलब जब तक जिंदा कलम है, जब तक मेरे हाथ में कलम है, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मरने नहीं देंगे। यानी उनकी जो महानता है वो हमेशा हम कलम के माध्यम से अपने देशवासियों को बताते रहेंगे। खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा, कौन फिर बारूद से संदेश चंदन का कहेगा, मृत्यु तो नूतन जन्म है हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अर्थात कि यदि हमने अपने महान महानेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को भूल गए, उन्हें हमने खो दिया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा जिसे हम संभाल के रख सके, जिन्हें हम याद कर सके। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई बहुत कीमती सामान, बहुत कीमती वस्तु खो जाए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं तो संभाल के रखने के लिए। हम अपने उस कीमती सामान को बड़े ही तरीके से संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार नीरज जी ने कहा कि यदि हमने, अगर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में जो हम जानते हैं, जो उनकी अच्छाइयां हैं, जो उनकी महानता है, उन्हें हमने खो दिया, उन्हें हम भूल गए, तो हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचेगा हमें याद रखने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, उन्हें देने के लिए। और फिर जिस प्रकार से बारूद, बारूद एक विस्फोटक पदार्थ है और बारूद का प्रयोग जहां भी होता है वह तबाही हो जाती है, हर तरफ बर्बादी होती है। जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के वक्त अंग्रेजों को बारूद के समान ही उन्हें तबाह कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, और फिर देशवासियों को चंदन, यानी चंदन की खुशबू की तरह ही एक सूत्र में बांधा कि हम देशवासी, हमें मिलजुल कर रहना है। तो यदि हम पंडित जवाहरलाल की महानता को भूल जाते हैं, उन्हें खो देते हैं, तो फिर कौन हमें इस बारे में समझाएगा। तो इसीलिए नीरज जी ने कहा है कि जब तक मेरे पास कलम है मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। मृत्यु तो जन्म नूतन है, आपको पता है कि जिस इंसान ने आज जन्म लिया है कल वो मरेगा, और जो कल मरेगा वो फिर जन्म लेगा। हमारी जो आत्मा है वो बिना शरीर के नहीं रह सकती, आत्मा को हमेशा शरीर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो व्यक्ति आज मृत्यु को प्राप्त करता है उसका जन्म फिर पुनः होता है, दोबारा से जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को शरीर की जरूरत होती है, आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। इसीलिए नीरज जी ने कहा है कि आज इंसान मर गए तो कल पैदा हो जाएगा, तो मृत्यु का नया जन्म है, लेकिन जन्म तब होगा जब हम आपको मरने देंगे। हम तो आपको अपनी कलम के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से हम हमेशा आपको याद रखेंगे। जब तुम गए जब से न सोई एक पल गंगा तुम्हारी, बाग में निकली न फिर हंसते गुलाबों की सवारी, हर किसी की आंख नम है
हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यह नीरज जी ने कहा है, हमारे देश में जो पवित्र नदी गंगा है वो हमेशा बहती रहती है, लेकिन जब से पंडित जी नेहरू जी चले गए यानी कि उनका देहांत हो गया, तब से जो गंगा नदी है वो हमेशा चली जा रही, बहती जा रही है, उसमें कभी भी रुकाव नहीं आया है। और आपको पता है कि एकमात्र जब से पृथ्वी है तब से लेकर आज तक एकमात्र एक ही व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने कपड़ों में अपने कोट में गुलाब लाल रंग का गुलाब लगाकर घूमते थे। उनके बाद और उनसे पहले आज तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो लाल रंग का गुलाब अपने कोट में लगाकर घूमे। गुलाब फूल लगाते हैं, बहुत सी नारियां लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, लोग माला बना के पहनते, लेकिन आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी गुलाब को अपने कोट में लगाकर उसे इतने प्यार से इतने स्नेह से उसे अपने कोट में लगाकर घूमा, उसे बहुत स्नेह हो। इसीलिए नीरज जी ने कहा कि बाग में निकली ना फिर हंसते गुलाबों की सवारी। उस समय गुलाबों के फूलों में जो चमक थी जब नेहरू जी थे, तो उस समय के गुलाबों में जो चमक थी, जो उनकी खुशबू थी, जो उनकी सुंदरता थी, वह गुलाब आज भी, लेकिन वो सुंदरता आज हमारे सामने नहीं है। गुलाबों की जो सुंदरता थी वो वैसी नहीं रही, सुंदर है गुलाब लेकिन वो सुंदरता नहीं जो उस वक्त हुआ करती थी। हर किसी की आंख नम है, और पंडित जी के जाने के बाद यानी कि नेहरू जी के जाने के बाद हर व्यक्ति हर भारतवासी की आंखें नम है, और इसीलिए मैं अपनी कलम के माध्यम से उन्हें सदैव जीवित रखूंगा। तुम नहीं थे व्यक्ति, तुम आजादियों के कारवा थे, प्यार के तुम पासवा थे, अमन के तुम रहनुमा थे। यह हकीकत है, न भ्रम है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यहाँ देखिए कारवा मतलब लोगों का झुंड, ग्रुप, समूह, और पासवा मतलब रक्षक, पासवा का मतलब होता है रक्षक, कारवा मतलब लोगों का झुंड, कारवा मतलब लोगों का झुंड, और पासवा मतलब रक्षक, और रहनुमा होता है पथ प्रदर्शक यानी रास्ता बताने वाला, भ्रम यानी संदेह, जहां शक होता है उसे हम कहते हैं भ्रम। अब हम यहाँ देखते हैं, तुम नहीं थे व्यक्ति, गोपालदास नीरज जी कहते हैं कि तुम नहीं थे व्यक्ति, तुम आजादियों के कारवां थे, यानी कि पंडित नेहरू के पीछे सदैव भारतवासी देशभक्तों का पूरा झुंड, पूरा ग्रुप चलता रहता था, इसीलिए उन्हें एक व्यक्ति ना कहकर लोगों का झुंड, लोगों का समूह कहा है। प्यार के पासवां थे यानी कि तुम हमेशा लड़ाई झगड़े दूर रह के प्यार से ही हर बात को संभालते थे, तुम प्यार के रक्षक थे, प्यार को बढ़ाने वाले थे, उसका उसी कदर करने वाले थे, और अमन के तुम रहनुमा, और अमन यानी के लड़ाई से दूर होकर सुख और शांति की ओर बढ़ने वाले पथ प्रदर्शक थे, जो हमेशा लोगों को सुख और शांति, अमन और चैन से आगे बढ़ने की सीख देते थे। यह हकीकत है, न भ्रम है। और ये जो बातें हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लोगों के झुंड थे, वो हमेशा प्यार के रक्षक थे, और लोगों को अमन की सीख देते थे, अमन के रास्ते पर आगे चलने के लिए कहते थे कि हमें हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर अगर हम किसी भी कार्य को पूरा करें, कार्य को आगे बढ़ाएं, तो कार्य हमेशा पूरा हो जाता है। यह हकीकत है, कोई संदेह नहीं है इस बात में, यानी कि बात को झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है, और ये बात सच है। नीरज जी ने कहा कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम हमेशा अपनी कलम से, मैं तुम्हें अपनी कलम के सहारे से हमेशा देशवासियों के मन में हमेशा जीवित रखूंगा। बोलते थे तुम ना तुम में, बोलता था विश्व सारा, बस नहीं इतिहास ही, तुमने हवाओं को सवारा, आज भी धरती गर्म है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। नीरज जी ने क्या कहा है कि बोलते थे तुम ना तुम में, बोलता था विश्व सारा, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बोलते थे ऐसा नहीं लगता कि वो एक व्यक्ति बोल रहा था, कि पूरा विश्व बोल रहा है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ अपनी बात ही, एक व्यक्ति की बात नहीं करते, वो पूरे विश्व की बात करते थे, ऐसा महसूस होता था, ऐसा प्रतीत होता था, पूरा विश्व ही एक साथ बोल रहा है। बस नहीं इतिहास ही, तुमने हवाओं को सवारा, कि तुमने हमारे इतिहास को ही नहीं सवार दिया, यानी कि हमें अंग्रेजों की भेड़ की गुलामी की भेड़ से दूर नहीं कराया, उनसे हमें आजादी ही नहीं दिलाया, बल्कि जो हमारे देश की, जो हमारे स्वतंत्र भारत की जो हवा थी, जो उसको भी बिल्कुल शुद्ध और सही कर दिया, हमारे देश में जो भी भ्रष्टाचार फैला था उसको भी उन्होंने दूर कर दिया। आज फिर धरती गर्म है, और लेकिन आज फिर हमारे जो देश में भ्रष्टाचार की जो बातें वो जड़ पकड़ने से लगी, लेकिन फिर भी हम आपको कभी भी मरने नहीं देंगे, हम आपकी सीख को हमेशा अमन और शांति के सहारे देशवासियों फैलाते रहेंगे, ताकि जो देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो हमेशा की तरह समाप्त हो जाए। और इसीलिए अपनी कलम के सहारे नीरज जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी भी मरने नहीं देंगे, कलम के सहारे से उन्हें हर देशवासी के मन में सदैव जीवित रखेंगे। तुम लड़कों के लड़कपन,
तुम जवानों की जवानी, तुम लड़कों के लड़कपन, तुम जवानों की जवानी, सिर्फ दिल्ली ही ना हर दिन था तुम्हारी राजधानी, सिर्फ दिल्ली ही ना हर दिन था तुम्हारी राजधानी, प्यार वह अब भी ना कम है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। नीरज जी ने क्या कहा कि जिस प्रकार कम उम्र के लड़कों में जो लड़कपन होता है, बिल्कुल वैसा ही लड़कपन पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में भी था। उनमें भी नीरज जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते कि वे कि तुम्हारे अंदर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर लड़कों का लड़कपन भी, यानी कि उनके अंदर भी बच्चों की तरह शरारते हैं, बच्चों की तरह उत्साह है, हर चीज पाने की जिद है, और तुम जवानों के जवानी और वयस्क व्यक्ति की तरह उनके अंदर जवानी है, उनका खून भी गर्म है, वे अपनी जो देश की आजादी उसे भी प्राप्त करने के लिए तत्पर है। सिर्फ दिल्ली ही ना हर दिन था तुम्हारी राजधानी, और उनका जो दिल्ली है, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो उनके लिए सिर्फ दिल्ली ही राजधानी नहीं थी, भारत देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ उनके लिए दिल्ली ही राजधानी थी, बल्कि हर एक देशवासी, जो भी लोग देश में रह रहे हैं भारतवासी, सभी का दिल ही उनकी राजधानी थी, यानी कि वो हर दिल के अंदर हर देशवासी को अमन और चैन की सांस देना चाहते थे। प्यार वह अब भी कम ना है, और आपका जो प्यार जो उस समय था वो आज भी कम नहीं है, और इसीलिए मैं अपनी कलम के सहारे कभी भी आपको मरने नहीं दूंगा, अपनी कलम से सदैव आपको जीवित रखूंगा। हम लगाए फूल किसकी शेरवानी में यहाँ अब, और बच्चे पाएंगे इतना बड़ा चाचा कहाँ अब, लेकिन अब आपके जाने के बाद जो फूल है जो आप शेरवानी में लगाते थे, अब वो फूल हम किसकी शेरवानी में लगा दें। बच्चे, आपको पता है कि जो छोटे बच्चे से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहकर बुलाते थे, उन्हें प्यार से चाचा कहते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बच्चों से बहुत प्यार था, उन्हें अत्यधिक स्नेह था बच्चों से, और जो बच्चे उन्हें चाचा कहते थे तो दोनों को अच्छा था। तो इसीलिए कवि नीरज जी ने कहा है कि जब इस समय आज आप नहीं है, जब अब आप नहीं है, तो हम लाल गुलाब किसकी शेरवानी में लगाए, बच्चे अपना चाचा किसे कहकर बुलाए, बच्चे अपना चाचा किसे कहकर बुलाए, क्योंकि अब आप नहीं है। यह बहुत मासूम गम है, यह बहुत मासूम गम है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, और ये छोटे नन्हे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा गम है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनके लिए गम भी बहुत मासूम, उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से मैं अपनी कलम के माध्यम से सदैव आपको जीवित रखूंगा, हर देशवासी के मन में आपकी छवि, आपकी महानता हमेशा अमिट रूप में विद्यमान रहेगी। मौत कितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, जब तक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मौत चाहे किसी भी रूप में आ जाए, चाहे वो कोई सा भी रंग बदल ले, ढंग बदल ले, लेकिन फिर भी जब तक मेरी कलम जिंदा है, जब तक कलम है मैं, तब तक हर देशवासी के मन में आपकी अमिट छाप सदैव ही बनाकर रखूंगा, मैं कभी भी आपको मरने नहीं दूंगा। इस कविता का उद्देश्य क्या है, देखिए इस कविता का उद्देश्य क्या है। कविता का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति एवं महान नेताओं के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना तथा यादों में हमेशा संजोए रखना है। यानी कि इस कविता के माध्यम से नीरज जी ने जो कविता लिखी है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, उनका उद्देश्य क्या है कि हमेशा हम अपने जो महान देशभक्त नेता थे, जो महान देशभक्ति उन्होंने हमारे देश के दिखाए, उस भक्ति को हम सदैव नमन करेंगे और हमेशा अपने दिलों में उसे जीवित रखेंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वो उसे जाने के हमारा देश किस प्रकार से था, उन्हें कैसे हमारे महान नेताओं ने आजादी दिलाई, आजादी दिलाने के लिए उन्हें कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ा, हमारी आने वाली पीढ़ियां इन बातों को भूल ना जाए। इसीलिए इस कविता के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो हमेशा देशवासियों के मन में महान नेताओं के प्रति श्रद्धा को बना के रखेंगे, और हकीकत में वास्तविकता में यह जरूरी भी है। निश्चय है यह कविता इस उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम सिद्ध होती है, और वास्तविकता की ये जो कविता लिखी है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, वास्तविकता में कविता इस उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह से सफल भी होती है। इस कविता के माध्यम से नीरज जी ने हर भारतवासी के मन में अपने महान नेताओं, अपनी आजादी, उनके महान नेताओं के कर्म, उनकी महानता को सदैव जीवित रखा है और हमेशा ही रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।